इस समय हम लोग खड़े हुए हैं सैफई में। सैफई का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़े आगे की तरफ आकर के दिखा दें। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां इंटरनेशनल मैच हो सकते हैं। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, किसी भी विदेशी टीम के खिलाफ यहाँ पर मैच को खेल सकती है। लेकिन इस समय यहाँ पर ये बंद है ताले, और चूंकि हम लोगों ने जब बात की, यहाँ तक आना किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने जब बात की तो यहाँ तक आने दिया गया। लेकिन इसके बाद जब तालों की हम लोगों की बात हुई कि तालों को खोला जाए, तो उन्होंने कहा कि ताले हम लोग किसी भी कंडीशन में नहीं खोल सकते, क्योंकि चारों तरफ ये पूरा स्टेडियम कवर करके लॉक किया गया है और चारों तरफ सिक्योरिटी है, लेकिन अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और कई दिनों से यहाँ के अंदर सिवाय अधिकारियों की कोई नहीं गया है। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को बाहर से भी फिल्मा करके दिखा दें कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने कैसे इस उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव सैफई, जिसका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो दरअसल क्यों है, ये आप लोग समझ सकें। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में दिल्ली, मुंबई और भी तमाम बड़े बड़े शहरों में हुआ करते हैं। लेकिन क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं कि ग्राम पंचायत में भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा? तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय ऑल वेदर तरणताल, ये भी एक स्टेडियम है जो और चीजों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर और भी प्रतियोगिता इंटरनेशनल स्तर की होती है। प्रशासनिक भवन, मैं सामने कहूंगा कैमरामैन से दिखा दें, ये प्रशासनिक भवन है जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई इटावा, ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज है सैफई में, ये है इस समय, और आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उस तरफ भी तमाम और भी स्टेडियम है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा सैफई जाना जाता है। चर्चा तमाम होती रहती है कि सैफई, सैफई एक ऐसी नगरी, नगरी दरअसल इसलिए क्योंकि 22 नवंबर 1939 का वो ऐतिहासिक दिन जब यहां पर मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव इस गांव की एक ऐसी पटकथा को लिखते हैं और इस गांव में ऐसा विकास दिखाते हैं कि वो विकास पूरे देश के लिए एक मॉडल बन जाता है। ये सैफई जहां इस समय हम लोग खड़े हुए हैं, सैफई में इतना विकास पहुंचता है कि आज जब हम लोग सुबह इटावा से सैफई तक आए, उस बीच में इतने हम लोगों को कॉलेज, इतनी बिल्डिंगें हम लोगों को देखने को मिली कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सैफई में नहीं, किसी ग्राम पंचायत में नहीं, बल्कि मुंबई के लिए निकले हों। लेकिन वहीं से यहीं तक हम लोगों को इतने ज्यादा इमारतें मिली, इतनी ज्यादा यहाँ पर व्यवस्थाएं मिली, जिनको देखकर हम लोग भी दंग रह गए। ये व्यवस्थाएं मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 1988 के दरमियान पहली बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर अभी तक जो व्यवस्थाएं मुलायम सिंह यादव ने यहाँ दी हैं, वो वाकई यहाँ के क्षेत्र के लिए वो व्यवस्थाएं लाजवाब रही हैं। और मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ 10 अक्टूबर के दिन, उस दिन पूरे सैफई के अंदर लोगों का इतनी तादाद में पहुंच जाना, वाकई ऐसा लगा देखकर कि वाकई विकास मुलायम सिंह यादव ने सैफई में किया है, और सैफई ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में अपने विकास की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास किया। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे इस उत्तर प्रदेश के, और 9 बार वो मेंबर ऑफ असेंबली और 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इतना लंबा राजनीतिक करियर देश की रक्षा मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और भी तमाम पदों से सुशोभित मुलायम सिंह यादव 10 अक्टूबर के दिन अंतिम सांस लेते हैं और उस दिन उनका निधन हो जाता है। लेकिन ये क्रिकेट स्टेडियम, जिसका मैं जिक्र आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, कानपुर, इतने बड़े बड़े शहरों में ये स्टेडियम रहा करते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक ग्राम पंचायत, ये सैफई में
ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर एक बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का। तो इस गांव में इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के हर एक भवन इस तरीके से संदाज में बनाया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हवाई पट्टी भी है, हर एक चीज यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई है मानो विकास यहाँ पर हमेशा रहा हो। विकास की समूची गाथा जब यहाँ लिखी जाती है तो चारों तरफ केवल विकास ही विकास दिखाई देता है। ये सैफई दरअसल केवल एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसने इतिहास इतना लंबा लिखा है और मुलायम सिंह यादव ने इस सैफई के नाम को पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में ऐसा प्रसिद्ध करवाया कि फिर इस विकास को कोई रोक नहीं पाया। आज भी जब हम लोग कहीं गांव में कहीं भी चर्चा करते हैं कि हम लोग सैफई की बात अगर करें तो तत्काल लोग समझ जाते हैं कि सैफई क्या है। एक छोटे से कस्बे को समूचा अगर देश जानता है तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और ये पहचान सैफई को मुलायम सिंह यादव ने दी। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, जनता दल से मुख्यमंत्री बने 1988-89 के दरमियान, उसके बाद लगातार दो बार और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये बड़ा लंबा राजनीतिक उनका करियर, उसी बीच ये विकास जो पूरी सैफई में दिखता है, ये कम से कम बताता है कि वाकई मुलायम सिंह यादव अगर नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे तो उन्होंने यहाँ पर सैफई में विकास किया है। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RLVAR जर्नलिस्ट को जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो लोग सभी सब्सक्राइब कर फॉलो कर लें, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।